हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। सभी को गुड मॉर्निंग, ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। और आप लोगों को ये क्लास सुबह में कितना 7 बजे चलती है ये तो आप लोगों को याद होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्रकाश का अपवर्तन था, उस प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग आज खत्म करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, तो वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ताकि वहां से ना आइडिया एक मिले कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, और इसके बाद एक और वीडियो आप लोगों को डालेंगे जो मानव नेत्र है ना, ह्यूमन आई, हम लोग आंख के बारे में, फिर आंख के बारे में जो है ह्यूमन आई, उसके बारे में दो वीडियो और डालेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन करवाएंगे और दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत के बारे में। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसका पहले भी वीडियो पढ़ चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन मतलब क्या, कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन क्यों होता था, कि जब प्रकाश लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जैसे ही एंट्री करता था तो अपवर्तन की घटना घटती थी, रिफ्रैक्शन की घटना घटती थी। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही मीडियम चेंज होता है, जैसे ही मीडियम चेंज होगा और जो प्रकाश का चाल होता है, वो मीडियम चेंज होने के चलते उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है, और वेलोसिटी चेंज होने के चलते वो जो लाइट है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। यही घटना था प्रकाश का अपवर्तन का। और इसमें हम लोग सब चीज पढ़े थे कि अविलंब से कैसे दूर भटता है, क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी भी पढ़े थे हम लोग, उसका अच्छा से डायग्राम खींच के पढ़े थे। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, फिर इरेक्ट रे, निर्गत किरण क्या होता है। आज हम लोग एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा पॉइंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर एक दो वर्ड में आप लोग भी लिखना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। ये क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन। इससे क्या होगा ना, कि लिखने से एक याद हो जाता है, लिखने से जो याद जो दिमाग में होगा उसको लिख दीजिएगा ना, तो और थोड़ा दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि क्या जानते, तो आप लोग जरूर लिखिएगा। देखिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले क्या करेंगे, हम एक छोटा सा ऐसे एक कांच बना रहे हैं, ये हम लोग का क्या है, कांच का डब्बा है, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, ठीक। यहां से क्या होता है, इधर से लाइट आता है, आपतित किरण लाइट आ रहा है, यहाँ क्या होगा, यहां से ये इधर अपवर्तित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ अपवर्तित होगा फिर यहाँ पहुंचेगा। ये ग्लास का क्या है, दूसरा छोर है, यहाँ पे एक हम लोग अभिलंब ऐसे खींचते हैं। इसके बाद देखिएगा, यहां से क्या होगा, ये फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये हम लोग का कौन सा मीडियम था, ये हम लोग का वायु है, और ये हम लोग का क्या है, कांच है, ठीक। और फिर इधर क्या है, वायु है, ये हम लोग का क्या है, सघन माध्यम है, सघन मतलब जो डेंसर बताए थे वो है, और ये हम लोग का क्या है, सॉरी ये सघन नहीं, सॉरी ये विरल है, विरल, रेयरर, और ये क्या है, कांच है, डेंसर मीडियम, ये क्या है, कैसा है, सघन मीडियम है, और ये फिर विरल मीडियम है, इसको ध्यान रखना है। और क्या, ये हम लोग का लाइट तो बताया थे, ये इस लाइट को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, फिर इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण बोलते हैं, ये नॉर्मल है, फिर एक यहां भी हम लोग क्या करते हैं, यहां भी छोड़िए, यहां नॉर्मल नहीं खींचते हैं। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, इसको अगर हम लोग यहां से आगे बढ़ाना चाहे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इमरजेंट रे, यानी या हाँ इमरजेंट रे, जो हम लोग का निर्गत किरण होता है वो हम लोग इसको बोलते हैं। और जब ये जो हम लोग को आपतित किरण है, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, डॉटेड बढ़ाएं, तो ऐसा कंडीशन आता है कि ये जो हम लोग का निर्गत किरण है और ये जो हम लोग का आपतित किरण है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरालेल आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, एक दूसरे के पैरालेल होता है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है सब जगह क्या होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, सब जगह कैसा डिस्टेंस होता है, कांस्टेंट, मतलब सब जगह बराबर बराबर डिस्टेंस होता है, और इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्श्विक विस्थापन। तो यहां से एग्जाम में क्या पूछ सकता है, कि निर्गत किरण और जो आपतित किरण है, इमरजेंट रे और जो इंसिडेंट रे है, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लेटरल
डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा ये सब सब हम पूछेंगे जब हम क्वेश्चन आप लोग के लिए सेट करेंगे, तो उस टाइम हम ये सब आप लोग के लिए डालेंगे, तो इसको ध्यान में रख के पढ़ना है, ये नहीं कि फिर भूल गए, तो क्या भूलना नहीं है। ये हो गया पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें ये भी बताया था कि अगर हम लोग नॉर्मल नॉर्मल सीधे खींचेंगे, मतलब नॉर्मल अगर लाइट इस पे मारेंगे तो ये इधर उधर डेविएशन नहीं होगा, मतलब इधर उधर विचलन नहीं होगा, ये आराम से सीधे मस्त में मस्ती चाल से आगे निकल जाएगा। तो ये सब सब बता चुके हैं ये सब। और देखिए और क्या फिर आगे देखिए, ये तो हम लोग का लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद एक चीज हम लोग को और आता है, अपवर्तनांक एक आता है, आप लोग को भी बहुत बार अपवर्तनांक से पाला पड़ा होगा। अपवर्तनांक क्या होता है वो थोड़ा सा देख लीजिए, वो थोड़ा सा बता देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अपवर्तनांक कुछ नहीं है, बस यही है एक रेशियो है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोग भी कुछ जानते होंगे तो बताइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अपवर्तनांक कितना होगा। ये अपवर्तनांक के बाद इससे क्या लेना देना क्या होता है वो देखिए बताते हैं। अपवर्तनांक एक क्या है, रेशियो, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपवर्तनांक, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आरएफ लिख देते, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आरआई लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक अगर हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले जो वैक्यूम में, जो निर्वात में, जो निर्वात में जितना प्रकाश का वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या होगा, वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम, मतलब इसका क्या मीनिंग हो गया। अपवर्तनांक हम लोग किसको बोलते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोलते हैं जो प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल जो हम लोग का निर्वात में, प्रकाश का चाल निर्वात में बटा जो भी मीडियम, जो भी वस्तु है, वस्तु में प्रकाश का चाल, जो भी वस्तु में प्रकाश का चाल होगा उस दोनों के बीच के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी शून्य में प्रकाश के चाल बता उस माध्यम में प्रकाश, अगर किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, जैसे कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, और क्या मान लेते हैं बर्फ का इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, वो आप लोग जरूर बताइएगा। ये तो हो गया हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता क्या है वो देखिए। देखिए अपवर्तनांक क्या था कि जब अपवर्तनांक क्या, जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट जाता है तो वो जो लाइट है वो मुड़ जाता है, ठीक है, ये तो हम लोग जान रहे हैं अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन वो कितना मुड़ेगा ये किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, दूसरा माध्यम में कितना मुड़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है, कि पहला माध्यम के कंपेयर में दूसरा माध्यम में, यानी पहला मीडियम के कंपेयर में दूसरा मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कितना है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना मुड़ेगा, ठीक। और कितना ये हम लोग ये क्यों बताया, क्योंकि देखिए जो हम लोग का वायु होता है वो वायु में नॉर्मली हम लोग वैक्यूम वाला ही लगभग लगभग थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन उसी का वेलोसिटी ले लेते हैं, यानी फर्स्ट वाला के कंपेयर में सेकेंड में कितना लाइट का वेलोसिटी है उसी दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी दोनों दोनों के रेशियो का अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी फर्स्ट में कितना है और सेकेंड में कितना है, यानी फर्स्ट के कंपेयर में सेकेंड में जितना भी प्रकाश का वेलोसिटी होगा उसी के अनुसार उसका क्या होगा, अपवर्तनांक बनेगा, या उसी के अनुसार, अपवर्तनांक करने का मतलब उसी के अनुसार ये जो लाइट है वो लाइट नॉर्मल की ओर आएगा, यानी कितना उसी के अनुसार मुड़ेगा, यही है इसमें अपवर्तनांक। और देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि मतलब कि क्या क्या कि फर्स्ट, देखिए फर्स्ट मीडियम,
फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में अगर सेकेंड वाला मीडियम, फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में सेकेंड मीडियम क्या है कि ज्यादा, ज्यादा क्या है, ज्यादा सघन है, ज्यादा डेंसर है। तो क्या होगा, ज्यादा अगर डेंसर रहेगा तो इसमें वेलोसिटी कम होगा। हम क्या बोले थे, बोले थे कि जो जिसमें जितना ही ज्यादा डेंसर होगा यानी जितना ही ज्यादा भीड़ भड़ाका होगा, इसका मॉलिक्यूल क्या नजदीक नजदीक रहेगा तो वहां लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, तो लाइट का वेलोसिटी कम होगा। तो उसमें क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्ट, ये जो अपवर्तित किरण है वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा मुड़ेगा, मतलब ज्यादा एकदम इधर आके मुड़ेगा, इधर नहीं जाएगा, उतना ही ज्यादा इधर नीचे आके मुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फर्स्ट के कंपेयर में सेकेंड में ज्यादा डेंसर है, मतलब ज्यादा डेंसर है। इसका मतलब कि फर्स्ट में जब सेकेंड में ज्यादा मुड़ रहा है, इसका मतलब सेकेंड में ज्यादा मुड़ने से क्या होगा कि अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और सेकेंड में ज्यादा क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट का वेलोसिटी है वो लाइट का वेलोसिटी क्या है, कम हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा डेंसर है, ज्यादा डेंसर के चलते कम हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या पता कर सकते हैं हम लोग कि अपवर्तित किरण, या ऐसे बोल सकते हैं जो मीडियम में, जो भी मीडियम हो उस मीडियम में अगर लाइट का वेलोसिटी कम हो, या जो मीडियम हो ज्यादा, जितना ही ज्यादा डेंसर हो उसमें अपवर्तित किरण ज्यादा मुड़ेगा। अपवर्तित किरण क्या होगा, ज्यादा मुड़ा मुड़ा होगा, अपवर्तित किरण का ज्यादा मुड़ा होगा। और जैसे ही ज्यादा मुड़ा होगा तो जो लाइट का वेलोसिटी है, लाइट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही लाइट का वेलोसिटी कम हो जाएगा तो उस वस्तु का, या उस माध्यम, सॉरी वस्तु नहीं, उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिस जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही ज्यादा है, सुनिएगा अच्छा से, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही ज्यादा है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मुड़ती है, यानी उतना ही अधिक मुड़ती है। और अधिक मुड़ती है इसका मतलब वहां पे जो लाइट का वेलोसिटी है वो लाइट का वेलोसिटी कम होगा, लाइट का वेलोसिटी कम होगा। इसका मतलब क्या कि वो ज्यादा डेंसर मीडियम है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आप फिर आगे देखिए। और कभी कभी आप लोग देखिएगा ना कि ये जो अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक एक के बराबर हो जाता है, यानी जो जिसमें जितना प्रकाश के चाल है उतना ही वस्तु में भी चाल है। जैसे देखिए वायु, वायु को मान लेते हैं कि देखिए वायु में निर्वात के कंपेयर में थोड़ा बहुत कम होता है, वो थोड़ा बहुत निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक आपसे पूछे, बताएं कमेंट में बताएं, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। और जो भी बताएं उसको ध्यान रखिएगा। और डेंसिटी के बारे में बताया था कि जिसमें जितना ज्यादा जिसका जिस वस्तु का डेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा, जिस वस्तु का डेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा, प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा। इसका मतलब कि वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। इसका मतलब कि उसमें जो अपवर्तित किरण है वो ज्यादा मुड़ा होगा, ज्यादा मुड़ेगा। इसका मतलब क्या कि उसका अपवर्तनांक ज्यादा है। देखिए बहुत सारा चीज बता दिए। और सेकेंड में क्या क्या बोल सकते हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही कम है, यानी जिसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही कम है, जितना ही कम है, कम है, उसमें प्रकाश का चाल उतना ही अधिक होता है। देखिए अपवर्तनांक जितना ही कम है तो प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कि वो जो मीडियम है वो मीडियम क्या है, रेयरर है, मतलब विरल मीडियम है। उसमें ज्यादा इधर ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, तो वो मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम है। उसमें जो मुड़ाव होगा, अपवर्तित किरण का मुड़ाव होगा वो ज्यादा मुड़ाव नहीं होगा, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अपवर्तनांक के बारे में इतना बहुत सारा चीज हो गया है, अब ज्यादा ज्यादा इसमें और उतना है भी नहीं, तो अपवर्तनांक को इतना ही तक छोड़ते हैं। इसके बाद जो अपवर्तन का नियम था वो तो नियम सब सेमी है, जो स्नेल्स लॉ है ये सब उतना हाई फाई नहीं है, वो सब आप लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और बुक भी थोड़ा पढ़ा कीजिए।
बहुत लोग होंगे जो इलेवेंथ से इलेवेंथ में होंगे, बहुत लोग होंगे जो ट्वेल्थ कर रहे होंगे, ये सब एग्जाम देना देना चाहते हैं। तो और सिलेबस आता है 10th का, और जो 10th से जो इलेवेंथ हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इलेवेंथ वाले फिर 10th वाला बुक उलट कर देखते नहीं, 12th वाला तो और नहीं उलट के देखते हैं। तो थोड़ा बहुत कभी कभी टाइम मिले तो उलट कर देख लिया कीजिए। और एक एक क्या रिफ्रैक्टेड रे तो बता दिए, अपवर्तित किरण, और एक एंगल ऑफ डेविएशन होता है। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन जो प्रिज्म में होता है, प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आप लोगों को बता देंगे जिस टाइम क्वेश्चन करवाएंगे ना, उसी टाइम हम एंगल ऑफ डेविएशन बता देंगे। इसके बाद थोड़ा लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। किस चीज के बारे में? लेंस के बारे में। देखिए लेंस के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखिए लेंस लेंस आप लोग बहुत तरह के सुने होंगे, क्या क्या मतलब हम लोग अपना जो रियल लाइफ में लेंस के बारे में समझते होंगे। जैसे चश्मा में लेंस लगाया जाता है, कैमरा में लेंस लगाया जाता है, दूरबीन में लेंस लगाया जाता है, सूक्ष्मदर्शी देखे होंगे, माइक्रोस्कोप में लेंस लगाया जाता है, यहां तक कि हमारे आंख में भी लेंस लगा हुआ है, आंख में भी लेंस लगा हुआ है। तो लेंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लेंस हम लोग को जनरली दो टाइप का लेंस पढ़ना है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या? एक उत्तल लेंस, एक हम लोग उत्तल लेंस पढ़ेंगे और एक उत्तल लेंस पढ़ेंगे और एक हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और एक हम लोग पढ़ेंगे अवतल अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस इसको बोलते हैं। और देखिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का आप लोग देखे होंगे। क्या आप देखे होंगे ना, जब आप लोग स्टोमेन बॉक्स लेते होंगे ना, उसमें देखिएगा एक ये देता था लेंस टाइप का देता था, तो वो कौन सा लेंस रहता था? यही कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और कॉनकेव लेंस देखिए इस टाइप का दिखता है, इस टाइप का। गलत बन गया, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या है, इसमें रहता है कि बीच में, देखिए बीच में क्या होता है कि ये ढेरे मोटा टाइप का होता है और किनारे पे पतला, यानी इधर क्या होता है, इधर होता है पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ये पूछ सकता है कि कौन सा लेंस में कहाँ मोटा है, कितना होता है और कहाँ क्या होता है। और इसमें देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है, और किनारे पर क्या होता है, यहाँ देखिए किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए उत्तल लेंस को जनरली तीन टाइप में उसको बांट दिया गया, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अवतल लेंस को भी बांट दिया गया है तीन में। अब देखिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, ये तो पहले से ही बता रहे हैं, अभिसारी दर्पण से ही बता रहे हैं ये, इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। एक को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं, एक को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक, इतना ध्यान में रखना है। देखिए अपसारी अपसारी लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, इंग्लिश भी लिखते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग, और एक इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए ये तो लेंस के बारे में हो गया। अब ये नहीं देखना है कि मतलब ये बना कैसे, क्या हुआ, इसका पूरा हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री उतना हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं। अब थोड़ा सा इसका ये देख लेते हैं। देखिए लेंस में ये हम लोग का क्या है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये हम लोग का उत्तल लेंस है। इसमें देखिए ये जो इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। और ये जो हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, सॉरी से, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होके जा रहा है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। और या इस पॉइंट को वक्रता केंद्र नहीं बोल के हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकाश केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। देखिए ऑप्टिकल सेंटर इसको क्यों बोलते हैं, सो देखिए ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब इससे हम लोग लाइट को गुजारेंगे ना, ध्यान रखिएगा हम लोग जब दर्पण पढ़ रहे थे
तो दर्पण में भी हम लोग देखे थे कि जब हम लोग पी पोल से ध्रुव से जब हम लोग कोई भी लाइट को गुजारते थे तो वो डेविएशन नहीं होता था, वो क्या होता था, सीधा सीधा पास कर जाता था। या जब हम लोग सेंटर से भी गुजारते तो वो क्या होता था, सीधा पास हो जाता था। तो इसमें भी यही ध्यान रखना है कि लेंस में भी हमेशा ऐसे ही होता है कि जब हम लोग लेंस से कोई भी प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा, पास कर जाएगा, डेविएशन नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। अब देखिए उत्तल लेंस में और थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को। देखिए उत्तल लेंस में हम, उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोले, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको बोले डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या, उत्तल लेंस का काम ही है, उत्तल लेंस का देखिए एक काम है ना, ये अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, उत्तल लेंस का काम है कि जितना भी सब, जितना भी भटका हुआ लाइट है इधर उधर, जितना भी लड़के लोग भटक रहे हैं, सबको क्या करना है, एक जगह पे लेके आना है, एक पॉइंट पे लेके आना है। ये है उत्तल लेंस का काम। यानी देखिए ये जितना भी सब लाइट है ये सब इधर से पैरेलल आ रहे थे, मतलब सब भटक रहे थे इधर उधर, और फिर एक कोई अपना साथी नहीं खोज पा रहा था। तो क्या हुआ इसके बाद, फिर ये कुछ दूर तक आगे गए, यहाँ गए आगे, यहाँ गए आगे, यहाँ गए आगे, यहाँ गए आगे। आगे जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट मिला, उस पॉइंट पे कहा गया कि सब साथी आके एक साथ मिलके क्या करने लगे, गप साड़ा का मतलब गप स्टार्ट शुरू कर दिए। और जिस पॉइंट पे सभी साथी आके मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अड्डा बोलते हैं। यहाँ सभी दोस्त लोग एक जगह आके बात कर रहे, गपशप कर रहे, तो मतलब वहां दोस्त का अड्डा हो गया। उसी तरह साइंस में यानी फिजिक्स में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स में इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस में सब जितना भी इधर उधर भटक रहा था लाइट, सब लाइट को एक जगह लाके रख दे रहा है, ये कन्वर्जिंग कर रहा है, मतलब जितना भी सब इधर भटक रहे हैं सबको एक जगह ला रहा है। और ये किस पॉइंट पे आके मिल रहा है, जिस पॉइंट पे आके मिलता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस। और इसी इसका जस्ट अपोजिट है अवतल लेंस पे। अवतल लेंस में क्या है ना कि अवतल लेंस भी बना ही देते हैं, अवतल लेंस में देखिएगा ना, अवतल लेंस में सब सब जितना भी दोस्त लोग है सब एक जगह रहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा दोस्त होता है ना जो फूट डालने की कोशिश करता है कि सब में फूट पड़े, और सबको क्या करता है, बिखरा देता है, सबको बिखरा देता है। इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब जैसे देखिए इधर से मान लीजिए सब लाइट आ रहा था, तो इधर से जितना भी सब लाइट आएगा तो ये क्या होगा, यहां से पहले इधर रिफ्लेक्ट होगा, पहले इसको मेन बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से इसमें थोड़ा सा समझिएगा, ये सब मान लीजिए पैरेलल लाइन है, इसको दूसरा कलर से बनाते हैं। इसके बाद यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगा, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, सबका फिर अलग अलग है। और यहां से ये क्या होगा, ये जो लाइट है ये क्या होगा, ये इधर बढ़ेगा, ये क्या होगा, इधर बढ़ेगा ऐसे। या बोल देखिएगा कि यहां से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां से क्या हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, फिर यहां से आएगा ये, फिर इधर बढ़ जाएगा, फिर यहां से सब अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। मतलब कि 10वां के बाद कोई IAC लेगा, कोई पॉलिटेक्निक लेगा, कोई IA करेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई ITI करेगा, मतलब 10वां तक सब सेम थे, इसके बाद क्या हो गया, सब एक दूसरे के साथ बिखर गए। तो इसका काम ही क्या है कि ये जितना भी, ये देखिए सब एक पॉइंट पे आ रहा था, इसको सबको क्या किया, इधर बिखरा दिया। या जो पैरेलल लाइन है इसको सबको एक जगह लाके नहीं रोक रहा है, इसको क्या कर रहा, और सबको इधर उधर बिखरा दे रहा है। ये किसका काम है, ये अवतल लेंस का काम है। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसका क्या काम है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का क्या काम है, ये सब को दिमाग में रखना, भटकाना नहीं है। अब देखिए अब थोड़ा इमेज के बारे में आ जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उत्तर लेंस में क्या होता है, हमेशा ध्यान में रखना है कि जो उत्तर लेंस होता है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, उत्तर लेंस होता है, उत्तर लेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी वस्तु का जो इमेज है यानी कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। केवल एक कंडीशन है, केवल एक कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसको ध्यान में रखना है। और अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें सीधा ही बनता है, इसमें क्या बनता है, सीधा बनता है, इसको ध्यान में रखना, सीधा बनता है और थोड़ा छोटा बनता है, क्या सीधा बनता है और थोड़ा छोटा बनता है। और जो वास्तविक, और जो ये उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक। इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं,
और ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। आभासी यानी वास्तविक मतलब क्या, ये होता है रियल, ये रियल इमेज होता है और ये आभासी, इसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं, जो वर्चुअल, इसको वर्चुअल इमेज भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको भी एक चीज ध्यान में रखना है। प्रकाशीय केंद्र जो ऑप्टिकल सेंटर, वो भी बता दिए, प्रिंसिपल एक्सिस भी बता दिए। फिर उत्तल लेंस का क्या काम है, उत्तल लेंस का काम है कन्वर्जिंग करना, अवतल लेंस का क्या है, डाइवर्जिंग करना, उसको डाइवर्ट कर देता है इधर उधर सब दिमाग, और फिर आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, अब जो इसका कुछ प्रतिबिंब का नियम है, आज इसको हम लोग खत्म ही कर देंगे। इसका जो नियम है कि जो प्रतिबिंब बनता है ना, नियम वो देखिए, उत्तल लेंस में सबसे पहले उत्तल लेंस का देखिए, एक केवल एक ही कंडीशन बताएंगे। देखिए हर एक कंडीशन में क्या है कि ये हमेशा उल्टा बनता है, एक कंडीशन बताते हैं कि ये सीधा कैसे बनता है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लेंस है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए ये है हम लोग का क्या, उत्तल लेंस, और ये हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्सिस ये वाला है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और इसको हम लोग अपार्ट द्वारक, इसको बोलते हैं द्वारक, अपार्चर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं हम भी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको अपार्चर ही बोलते हैं, इसको द्वारक बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर फोकस दूरी यहां, क्योंकि एक ये हम लोग का लेंस बनेगा, एक लेंस का यहां ये फोकस दूरी है, और एक इधर लेंस बनेगा। यानी देखिए दो जो गोलीय दर्पण होता है, उसी गोलीय दर्पण का तो जो पार्ट होता है बीच वाला पार्ट, यही तो हम लोग का लेंस निकालते हैं। तो इसका भी एक सेंटर इधर होगा, इसका सेंटर एक इधर होगा, एक फोकस यहाँ होगा, एक इसका बीच में फोकस कहीं यहाँ होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर और ये जो फोकस, इस दोनों के बीच में अगर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तभी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या है, सीधा बनेगा। तभी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। अगर इसमें हम लोग इधर से लाइट गुजारेंगे, ऐसे लाइट गुजारेंगे, तो ये कहाँ आएगा, रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं अपना फोकस से होके गुजरेगा। अभी बताएं कि अगर इधर से पैरालेल रे आ रहा है, तो यहां से ये कन्वर्जिंग होके कहाँ पे आएगा, फोकस पे आएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाएं, और यहां से सेंटर से होकर जब हम लोग एक लाइट अगर इधर गुजारेंगे ऐसे, तो ये आगे जाके कहीं इसको कट करेगा, और जहां जिस पॉइंट पे कट करा उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा, और वो इमेज सीधा बनेगा, और वो इमेज वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा। इसको भी ध्यान में रखना। और देखिए, और हर एक कंडीशन में क्या होता है, हर एक कंडीशन में उसका, हर एक कंडीशन में, और ये देखिए जिधर इमेज है, जिधर प्रतिबिंब मतलब सॉरी जिधर ऑब्जेक्ट है, उधर इमेज बन रहा है। लेकिन हर एक कंडीशन में, इसके बाद वाला जो भी कंडीशन, वो इमेज जिधर रखा हुआ, सॉरी जो जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है, उसका जस्ट अपोजिट साइड में इमेज बनता है। ये चीज ध्यान रखना है। एक चीज आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा, उसको एक बार देखिएगा ध्यान से। अच्छा चीज उसमें बताया हुआ, हर एक का दिखाया हुआ है। और ये तो सबका कंडीशन है कि अभी सारी लेंस में कैसे बनता है, यानी उत्तल लेंस में कैसे बनता है, फिर अवतल लेंस में कैसे बनता है, इसको याद रखिएगा। और क्या इसमें हो सकता है, फोकस दूरी भी इसमें बस वैसा ही होता है। फोकस दूरी का अगर इसमें जिक्र करें तो वैसा तो है नहीं फोकस दूरी के बीच। फिर एक होता है लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला भी आप लोग, लेंस फार्मूला देखिए, लेंस फार्मूला लिख देते हैं, लेंस सूत्र। देखिए फोकस के बारे में भी थोड़ा बता दे, किसमें पॉजिटिव किसमें निगेटिव देते फोकस। इसका लेंस सूत्र क्या है, 1/b-1/u = 1/f, ये लेंस सूत्र है। और दर्पण सूत्र क्या होता था, यहाँ प्लस होता था, ठीक, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और याद रखिए, उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, इसमें फोकस दूरी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव है, और अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा कि निगेटिव लेते हैं।
अवतल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव लेते हैं और उत्तल में फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं। ये तो हो गया। अब इसके बाद एक चीज और आता है, एक और बता बचा मैग्निफिकेशन आवर्धन बचा और एक लेंस की क्षमता, अब उसको भी देख लीजिए आप। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, FICATN, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। आवर्धन मतलब क्या ना कि जैसे देखिए कोई भी चीज को हम कितना जूम कर सकते हैं, कितना मैग्निफाई कर सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन इसको एम से जनरली हम लोग डिनोट करते हैं, एम बराबर इसका कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, कितना प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब यानी जो इमेज है उसका हाइट, प्रतिबिंब की हाइट बटा क्या होगा नीचे बिंब की हाइट, बिंब की हाइट यानी एम बराबर क्या होगा एच डैश बटा एच। इसका याद रखिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसका एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, एम बराबर क्या होता है वी बटा यू, यहाँ प्लस होगा, प्लस वी बटा यू। वी मतलब क्या कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूर पे बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी, और ये यू क्या होगा कि बिंब की दूरी कितना है, बिंब की दूरी। ठीक, इसको याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर मैग्निफिकेशन ऋणात्मक आ रहा है, यानी मैग्निफिकेशन का साइन, एम का साइन क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, अगर मैग्निफिकेशन का साइन क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अगर एम पॉजिटिव में आ रहा है तो इससे पता कीजिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है, यानी जो उल्टा बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, उसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, और जो सीधा बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है, उसको हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए एक और, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये भी दिमाग में रखना है। इसके बाद एक और है लेंस का क्षमता। देखिए लेंस का क्षमता क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए लेंस का क्षमता मतलब कि जितना भी लेंस है उस लेंस का पावर कितना है। जैसे आप लोग देखिएगा मोबाइल कैमरा में भी लेंस होता है, कैमरा देखिएगा कि अच्छा फोटो नहीं आ रहा है, फिर अगर थोड़ा और मांगा लीजिएगा अरे अच्छा फोटो आ रहा है, फिर कैमरा में आइएगा तो क्या होता है उसमें अच्छा फोटो आता है। तो ये सब किस चीज का कमाल है, लेंस का कमाल है। कभी कभी एक लेंस लगता है, कभी कभी दो लेंस लगता है, कभी कभी दो से भी ज्यादा लेंस लगता है। तो ये क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है कि लेंस का पावर क्या है, लेंस का क्षमता क्या, उसका एबिलिटी क्या है, उसका काबिलियत क्या है। जैसे आदमी को जज करना है तो क्या कैसे जज कीजिएगा कि हाँ वो कितना काबिल है और किस फील्ड में काबिल है, तो उसके अनुसार उसको जज कर सकते हैं। तो वही है लेंस की क्षमता, उसका एबिलिटी कितना है, वो वही कहलाता है लेंस का क्षमता। लेंस का क्षमता को हम लोग पी से, लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग को मेजरमेंट करना है तो पी बराबर ये फोकस दूरी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर फोकस दूरी ज्यादा होगा तो लेंस का पावर क्या होगा, कम होगा। यानी अगर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी लेंस है उस लेंस का फोकस दूरी ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ उसका जो लेंस का पावर है वो कम है, यानी क्षमता कम है। अगर फोकस दूरी जितना ही कम होगा उतना ही ये पावर ज्यादा होगा। ये है, यहां से हम लोग समझ सकते हैं। ये हो गया। और देखिए इसको अगर हम लोग एफ को जो फोकस है, अगर एफ को मीटर में, कभी कभी इसको हम लोग मीटर में भी ये लिख सकते हैं, मतलब कभी कभी मीटर में भी मेजरमेंट करते हैं और कभी कभी सेंटीमीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कभी कभी जो मीटर में मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग जनरली डायोप्टर भी बोल सकते हैं। एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है जिसका फोकस दूरी एक मीटर हो, यही बोल सकते हैं। और कभी कभी ना अगर इसका हम लोग सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना शुरू करें तो क्या होगा, पी बराबर वन बटा एफ, एफ मीटर में है यानी मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मीटर में है इसको अगर हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना है, या ऐसे छोड़िए, ऐसे मत कीजिए, इसको ऐसे देखिए कि अगर हम लोग को फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, फोकस दूरी क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, मीटर में मेजरमेंट करना है। तो मीटर के लिए हमको क्या करना होगा, इसको जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो इसका मीटर में बनाना होगा। तो मीटर में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
मीटर में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो 100 से डिवाइड करेंगे या 100 को डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पी बराबर 100 बटा नीचे क्या हो जाएगा एफ, और एफ ये किस चीज में है, सेंटीमीटर में, इसको ध्यान रखिएगा, पी बराबर 100 बटा एफ सेंटीमीटर में। और अगर सेंटीमीटर में नहीं लिखना है तो डायरेक्ट पी बराबर 1 बटा एफ करके वहां से कर लीजिए। कभी कभी ना ध्यान में रखिएगा, कभी कभी कि लेंस है बहुत सारा लगा देता है, बहुत सारा सबका क्षमता निकालने के लिए बोल देता है, पावर निकालने के लिए। तो कभी कभी देखिएगा कि अगर लेंस का अगर ये दे दिया है कि कौन सा लेंस लगा हुआ है, उसका नेचर दे दिया है कि उत्तल लेंस लगा हुआ है या अवतल लेंस लगा हुआ है, जैसा भी उसका नेचर होगा सबको क्या कर दीजिए, एप प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जितना भी जैसा भी उसका अपना फोकस दूरी होगा या जैसा भी उसका अपना प्रकृति होगा, उस टाइप से यहाँ से सबको ऐड कर देना है। जैसे टोटल पावर निकालना हो तो क्या हम लोग कर देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, और जैसा भी है P1 का अगर प्लस दो है, P2 माइनस दो है, तो सबको उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर देंगे। और अगर P बराबर 1 बटा F लिखना हो तो इसको जनरली हम लोग P बराबर क्या कर सकते हैं, 1 बटा फोकस दूरी को मीटर में, यानी इसका SI यूनिट लिखना हो लेंस का SI यूनिट तो क्या हो जाएगा, पर मीटर। और जो हम लोग लेंस का SI यूनिट डायोप्टर पढ़ते हैं ना, वो रियल में डायोप्टर सच में नहीं है, वो डॉक्टर लोग है ना, वो डॉक्टर लोग जब दवा ववा देते हैं तो उस टाइम वो यूज करते हैं कि हाँ डायोप्टर है, डायोप्टर है, डायोप्टर। लेकिन रियल में इसका एक प्रचलित नाम बोल सकते हैं हम लोग, पॉपुलर नाम है डायोप्टर, लेकिन रियल में इसका SI यूनिट क्या होता है, पर मीटर होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। बस ये खत्म हो गया है, लास्ट कर दिए इसको, प्रकाश का अपवर्तन। अब इससे जितना भी हो सकता है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और इसके अगला वीडियो भी आप लोगों का आएगा जिसमें आंख का बारे में रहेगा, मानव आई के बारे में रहेगा, ह्यूमन आई के बारे में रहेगा, उसको भी वीडियो देखिएगा, और इसके बाद दोनों को मिक्स करके हम आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, बस आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक, थैंक यू।